हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड अनदर व्लॉग। नया व्लॉग। आज है संडे 29th ऑफ मई और होप करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संडे को मोस्टली सब बढ़िया रहते हैं। आज सुबह सुबह मेरा मन है कुछ ब्रेकफास्ट में बनाने का। वायल आज क्या खाने का मन है? ज़बरदस्ती इडली सांभर ही बोलना पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इडली सांभर ही बोलना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने वो तैयार कर लिया है इडली सांभर का पूरा मटेरियल, बस वो बनाना है इडली मेकर में, जो कि मैं करूँगा। ठीक है, ले आया तू मैं? ले आया क्या? इडली मेकर जिसमें मैं इडली बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस इडली मेकर में आपको ऑयल लगाना है। बताया ऐसे रहो जैसे मैं ही किचन चैम्पियन हूँ, इसने मेरे को पहले बता दिया कि क्या करना है, इसलिए ऐसे ही करना है ना। अच्छे से करना है प्लीज। ठीक है, सो दैट इसमें इडली चिपके ना। बस और भी भरने हैं। अच्छा, वो वाला अभी जो कॉर्नर पे पड़ा। जब बैटर बन जाता है, हाँ बन जाता है, उसके बाद हम इनो डालते हैं। इनो क्यों डालते हैं पैन? उसको फर्मेंट करने के लिए। फर्मेंट। अब इसको बहुत अच्छे से वो करना है मिक्स। वो आ रही है इसमें से? हाँ, इनो वाली खुशबू कोई बात नहीं, वो नहीं आएगी। खुशबू और ऐसे गैस वाली इफेक्ट आ रहा है जैसे वो टप्सी में से। हाँ, है ना। अब हमें इन्हें फिल करना है। अबे और डालो, थोड़ा और डालो, पूरा वो फुल तो होना चाहिए। हाँ सही है, थोड़ा इक्वली। बस 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 हिलाओ मत, सीधा पकड़ो बस। चलो करो, सबसे पहले नीचे वाला भरना था, हमने गलत भर दिया शायद। ना नहीं, ना रे, ना रे, ये तो बड़ा इजी है। बहुत इजी काम है। सही भर रहे हो, करा कुछ है नहीं, सिर्फ भरना है। बहुत इजी है। गर्मी का दिखा, पसीने तो दिखा, मेहनत तो दिखा, मम्मी के दिखाने चाहिए पसीने। तो ये हमारी इडली के ऊपर इडली आनी चाहिए। हाँ, है ना, टाइट करना अच्छे से। तो थोड़ा सा आधा ग्लास पानी उबाल के, गर्म तो नहीं है यार, लग तो नहीं जाएगी मेरे को। लग तो नहीं है जाएगी। अरे गर्म तो है ही, पर कुछ नहीं होगा। ओए गर्म लग रहा है, शिट, बहुत गर्म था। आफ्टर वर्किंग 2 मिनट्स इन किचन, इतनी मेहनत, दो बार बंद किया था। हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज जो इतनी देर तक किचन में काम करती थी गर्मी में। दिल्ली की गर्मी इज अनबियरेबल। फिर से किचन में जाने का टाइम आ गया, सीने बहाने का। क्या करना है? ओए होए, बड़ा गर्म है यार ये तो। ये तो मुश्किल से उठेगा, मम्मी उठा दो। ये मेरा चाकू ना, मैंने चाकू बड़ा गर्म है करना। चाकू निकाला, पूरा डालो, पूरा पूरा डालो, पूरा डालो। बहुत गर्म है यार, मेरे को हाथ में ग्लव्स दो ना। ग्लव्स हो गया, पूरा डालो। बहुत अंदर हीट है पूरी। निकालने के लिए जा रहा है इससे नहीं होता, बहुत गर्म है। मम्मी निकाल रही है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। आराम से आराम से आराम से आराम से। नाइफ से नहीं निकलेगी, चम्मच लेना पड़ेगा, नाइफ से टूट रही है। ये बैल हो जाएगा, बंद हो गई थी वो, बीच में रखना चाहिए था आपको घुमाने के लिए। देना जरा वो लट्टू। निकाल दे निकाल दे निकाल दे। इसको अलग करना था ना बैल, मेरे को ये देखो। हाँ निकालना ही पड़ेगा, अब निकाल आराम से, टूट जाएगी। पहले पूरे कोनों से चारों तरफ से निकाल लो। खींच लिया, सही है, बंद हो गई है ना पाया? हाँ सही बनी है, बन गई है। 10 मिनट टाइम से नीचे वाले देखने के लिए। ये देखना कैसे कर रहे हैं, ऐसे गरम गरम निकाल आराम से, नीचे रह जाएगी, हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली जो मैंने अमेज़न से खरीदे थे। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने रैंडमली ले लिया था वो है फैमिली पैक निविया का, बिकॉज मॉइस्चराइजर की काफी ज्यादा जरूरत होती है, मेरी स्किन तो काफी ड्राई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फैमिली पैक ही ले लें, बिकॉज इस पे 199 रुपीज का ऑफ भी था।
तो ये डीपली मॉइस्चराइज करता है स्किन को फॉर 48 आवर्स और रफनेस काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज मेरे मेरी स्किन काफ़ी ड्राई काफ़ी रफ है तो मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजर्स काफ़ी एंड आई रियली लव निविया विच आई बॉट फ्रॉम अमेजोन यू कैन ऑल्सो गो एंड बाई इट आई विल शो यू कैसा है सो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर फील देता है स्किन पे अगर ये बहुत ही बड़ा है तो इतनी इजीली ख़त्म भी नहीं होने वाला सो यू कैन ऑल्सो गो एंड बाई दिस ऑल्सो इस बार मैंने अमेजोन से एथनिक वेयर लिया एक्चुअली मैं टीचर हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एथनिक वेयर यूज़ करती हूँ मतलब आई लव कुर्तीज़ तो मैंने इस बार कुर्तीज़ ऑर्डर करी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है बिकॉज वो बिल्कुल परफेक्ट है फॉर द समर लुक इवन जो स्टफ है वो बहुत अच्छा है सो आई विल शो यू द फर्स्ट कुर्ती जो कि कुछ डार्क ब्लू कलर में है और ये ए लाइन कुर्ती है लाइक अनारकली टाइप्स बहुत ही अच्छी है बिकॉज ये प्योर कॉटन है एंड गर्मी में मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बिल्कुल प्योर कॉटन होना चाहिए आई डोंट लाइक सिंथेटिक स्टफ एट ऑल एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर और मैंने पहन के भी दिखाई हुई है इट इज़ लुकिंग रियली अमेजिंग ऑन मी और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट कुर्ती सो ये मैंने ये भी एक ब्लू कलर में ली थी थोड़ा स्काइश कलर बिकॉज मुझे काफ्तान्स काफ़ी पसंद है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी हैं तो दिस इज़ अ काफ्तान कुर्ती एज यू कैन सी इन द पिक्चर बहुत ही लाइट स्टफ है मतलब एकदम ऐसे फ्लोई सा बॉडी पे एंड इट लुक्स वेरी अमेजिंग सो दिस मिरर काइंड ऑफ वर्क ओवर दिस ओवर द नेक एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो मैं एथनिक वेयर ऑनलाइन ज़्यादा ऑर्डर नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे थोड़े से ट्रस्ट इशूज रहते हैं बट आई रियली लव देम और मैंने ये लास्ट में एक कॉटन पैंट्स मंगवाई थी एज यू कैन सी इन द पिक्चर मैंने कॉटन पैंट्स जो मंगवाई थी वो ऐसी मंगवाई वाइट ताकि वो दोनों के साथ मैच कर जाए और मैं दोनों के साथ यूज़ कर पाऊँ जैसे हम जनरली भी सोचते हैं तो ये ओवरऑल दोनों के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर रही है और एक परफेक्ट लुक दे रही है सो टू कम्प्लीट द लुक मैंने ये छोटे छोटे एंटीक टाइप इयररिंग्स ऑर्डर किए थे अमेजोन से सो मुझे वैसे भी एथनिक इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है सो दिस इज़ हाउ आई लुक सो मैंने लिंक नीचे डाल दिया अपनी प्रोफाइल का जिससे आप जाके इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और अमेजोन से एथनिक वेयर लेने के बाद मेरा ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सो ईजिली बहुत ईजिली आ जाता है दो दिन के अंदर डिलीवरी और ऊपर से जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है सो यू कैन ऑल्सो गो एंड बाय फ्रॉम अमेजोन फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेरे एक फ्रेंड के घर क्योंकि मेरे एक दूसरे फ्रेंड का हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसमें से एक फ्रेंड की एंगेजमेंट है नेक्स्ट वीक और उसके लिए हम डांस प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे मेरी शादी में उन्होंने डांस प्रिपेयर किया था हाँ एंगेजमेंट पे और हम हर एक के एंगेजमेंट में उन्होंने डांस करते ही हैं तो आज हम जा रही हैं डांस प्रिपेयर करने देखते हैं क्या होता है कुछ पता नहीं गाना वाना भी नहीं पता अभी डिसाइडेड नहीं है कुछ भी जाएंगे सब डिसाइड करेंगे बनता है तो अगले हफ्ते डांस परफॉर्म करेंगे देखो